आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 21 साल नौजवान सलमान अली से, जो ऑनलाइन गेम्स खेलकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारा मेंटेलिटी ऐसा है, बस नौकरिया तो नौकरिया, मैं रेडी लगा लूंगा लेकिन जॉब नहीं करूंगा। गेम्स के जरिए कमाया कैसे जाता है, मतलब आप बता रहे हैं अकाउंट सेल किया जाता है, तो ये कौन खरीदते हैं आपसे? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 21 साल नौजवान सलमान अली से, जो ऑनलाइन गेम्स खेलकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब इनके वालिद की डेथ हो गई, उसके बाद ये बड़े हुए अपनी वालदा के साथ, इन्होंने एक जॉब की एक ऑफिस में तकरीबन 13,000 रुपए की। उस जॉब में इनके साथ कोई मिसहैप हुआ, उसके बाद वो जॉब छोड़ के ये डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। डिप्रेशन के शिकार होने के बाद ये गेम्स खेलने लगे, जिसमें पबजी इन्होंने खेली। जब पबजी इन्होंने खेली तो उसमें महारत हासिल करने के बाद ये उसी में ही ऐसे काम करने लगे कि वो उसी गेम से ही कमाने लगे। ये स्टोरी हम जानते हैं सलमान से कि गेम से इन्होंने कैसे कमाया और अब वो इस काबिल हो गए हैं कि अपने घर का खर्चा खुद ही उठा रहे हैं। इस हवाले से सलमान क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन गेम के ज़रिए, या आपने एक स्टार्ट लिया है और अब ऑनलाइन गेम के ज़रिए ही, पबजी के ज़रिए ही आप पैसे कमा रहे हैं, कैसे ये अर्निंग शुरू हुई? बहुत मुश्किल होती लाइफ स्ट्रगल करना, और जिस तरह की कंडीशंस थी, जिस तरह की मेरी जॉब थी, मैंने 17 इयर्स की एज में जॉब स्टार्ट कर दी थी मैट्रिक के बाद। क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स, देखें स्किल्स आपको आने चाहिए, हुनर वो कहते हैं, हुनर कभी भी रहेगा नहीं जाता। तो मैंने छोटी एज से ही अपने आप को स्किल्स वाइज अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर दिया, एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, एडिटिंग वाली साइड पे। तो बस एक किस्मत, लक थी कि वहाँ पर ग्रेजुएटेड बंदे भी बैठे हुए थे, उनको ऑन द स्पॉट पे जॉब चाहिए थी कि मुझे एक्चुअल ट्रेंड बंदा चाहिए। तो मुझे जब उन्होंने देखा कि भाई बंदा एजुकेशन वाइज तो क्वालिफिकेशन नहीं कर रही, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तो मुझे उसी टाइम पर एग्जैक्ट जॉब मिल गई थी और मेरा आईडी कार्ड भी जॉब के होते हुए बना था। तो किस्मत जब साथ दे तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन ये था कि स्टार्टिंग सैलरी मेरी 13,000, साल पूरा मैंने लगा दिया, कोई सैलरी अप नहीं हुई, 2 साल लगा दिए कोई सैलरी अप नहीं, बहुत भी कर करा के ओवर टाइम भी लगा के कोई 15,000 रुपये मेरी बमुश्किल बनती थी। उसमें से भी वो कभी 400-500 कट कर लेना, और उस टाइम 400-500 बहुत फील होते थे कि यार 500 रुपये क्यों कट हुए हैं, रोज़ के 8 घंटे आप ड्यूटी दे रहे हो। तो बस वहाँ पर छोटा सा मिसहैप मेरे साथ ये हुआ था कि अकाउंटेंट का एक रूल है, अगर पैसे कम हैं तो जेब से डालो, ज़्यादा हैं तो सीनियर को बताओ, ठीक है। तो आई डोंट नो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वहाँ पर अचानक से जब साल का ऑडिट था, 2 साल बाद आप ऑडिट होता है, तो ऑडिट के अंदर ऑलमोस्ट कोई 2 लाख रुपए अमाउंट वहाँ पर कम आ रही थी। तो आप खुद इमेजिन करें, आप एक रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, पीछे मेरी वालदा हैं, अगर उनको ये चीज़ पता चलती तो शायद वो चीज़ बर्दाश्त ना कर पाती। और लोग जिस तरह की बातें बनाकर बताते हैं, वो आप भी जानते हैं कि लोगों ने क्या कह के बताना था। तो मैं ना स्टार्टिंग में, जब आपको पता है 19-20 ईयर्स की एज में आपको होता है घूमने फिरने का, ये मैं गेम शेम में लग गया। मेरा एक दोस्त था, वो भी खेलता था, तो हमजा उसका नाम है, तो उसने ही मुझे गेम पे लगाया कि खेला कर, टाइम फ्री होता है, शुगर मेला लगाते हैं। गेम स्टार्टिंग की मैंने, वहाँ पर मैंने अपनी सैलरी पे लगाना कर दी, क्योंकि गेम की ना चुल है, मैं सही बताऊंगा आपको, मतलब इसके अंदर आपको दिल करता है शो ऑफ का, तो वो शो ऑफ के चक्कर में आप अपने आप को पैसे लगाने लगते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं गेमिंग में पैसे क्यों लगाते हैं, इसीलिए लोग लगाते हैं कि यार आपके अंदर अच्छी स्किन्स आएँ, अच्छी अपग्रेड्स आएँ, आप कहीं लॉबी में जाएँ या किसी गेम खेलें तो अगला बंदा कि यार सब क्या अकाउंट है। मुझे भी शौक था अच्छा अकाउंट होना। तो अचानक जब ये सिनेरियो हुआ मेरे ऊपर, मुझे पेमेंट की नीड थी, मैंने अपना अकाउंट सेल किया, वो अकाउंट जस्ट 60K का मेरा सेल हो रहा था, मतलब के मीन्स 60,000 का सेल हो रहा था। अब वहाँ वो भी मेरे लिए पूरे नहीं हो रहे थे, ये था कि मैंने उस चीज़ को, वो जो पैसे थे, वो जो आप कह रहे हैं कि 2 लाख कम हुए, वो किस तरह हुए? मैं वही बता रहा हूँ कि मैं जब आया था जॉब पे तो वहाँ पर कोई 4 बंदे काम कर रहे थे, और जब ऑडिट हुआ उस टाइम मैं अकेला रह गया था। अब मौके पे जो बंदा होता है वारदात उसी पे होती है, वो अब वो सारे के सारे बंदे कह रहे थे भाई आपके अंडर है सारा कुछ। अब ये सोचिए, मैं 20 साल का भी हुआ हूँ, पीछे घर का सेटअप मैंने देखना है, जॉब मैंने देखनी है, पढ़ाई भी मैं साथ कर रहा हूँ, मुझे इन कामों के लिए टाइम नहीं मिला, और अचानक आपके ऊपर 2 लाख रुपये काम आ जाए, बंदा डिप्रेशन में तो जाएगा ना, बंदा क्या करे यार, बंदा अल्लाह से मांगेगा मैं कहाँ पे फंस गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई मेरे से हो क्या रहा है।
एक होप मुझे मिली और यकीन करें मैंने इस होप को भी छोड़ा नहीं। लाइफ आपको हर बंदे को मौका देती है, हर इंसान को मौका देती है, मसला ये है आप रिस्क नहीं लेते। हमारा मेंटेलिटी ऐसा है कि भाई बस नौकरी है तो नौकरी है, भाई नौकरी नहीं है, आप रिस्क लें। मैंने वो जो 60,000 थे मैंने सारे इन्वेस्ट कर दिए इसी काम में, मैंने उससे छोटे छोटे अकाउंट्स परचेज किए, उनसे ट्रेडिंग स्टार्ट की, गेम के अकाउंट्स आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह 2 to 3 months में मैंने अपने आप को वहाँ पर क्लियर किया, बड़ी इज्जत के साथ बड़ी रिस्पेक्टेड रिज़ाइन दिया और वहाँ पर जाके उनके आगे हाथ जोड़े कि भाई आज के बाद, और अपने आप से भी ये प्रॉमिस किया कि लाइफ में कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए मैं रेडी लगा लूँगा लेकिन जॉब नहीं करूँगा। क्यों, आप किसी के अंडर होते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, आप वेले भी बैठे हो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं हो, उनकी मर्ज़ी से बैठे हुए हो। ये सीन था जॉब छोड़ने से लेके इस काम में आने तक का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, मतलब जॉब के होते हुए भी काम ये स्टार्ट किया हुआ था, फिर उसके बाद भी करते करते तकरीबन मुझे अब 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अल्लाह का शुक्र है काम ठीक चल रहा है। तो अपना ये गेमिंग रूम शूम भी मैंने बनाया हुआ, अभी आप देखिएगा, और गेमिंग पीसी और इन चीज़ों का मुझे शौक है। अब घर वाले भी नहीं रोकते, स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि यार तुम गेम खेल रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये है वो है, पूरी रात लगा रहता है। लेकिन जब उनको नज़र आया, जब मैंने जॉब छोड़ी ना, मेरी वालदा मुझसे नाराज़ हो गई क्योंकि उनको इस चीज़ का तो इल्म नहीं था। ज़ाहिर है परमानेंट जॉब मैं छोड़ कर आ गया था, फिर उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर कुछ चीज़ों की वजह से मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी, स्टडी मैंने छोड़ दी, मैंने मेरे फाइनल पेपर से मैंने फाइनल पेपर छोड़ दी, मैंने कहा नहीं होते मुझसे पेपर, मैं भाग गया, मैंने कहा भाई नहीं होते मुझसे पेपर। घर में आना, पूरी पूरी रात बैठे रहना कमरे में लॉक करके, मुझे समझ नहीं मैं करूँ क्या, खाना नहीं पीना नहीं, फिर बीमार हो गया। मुझे 1 साल में 2-3 दफ़ा अटैक, मतलब टाइफाइड और उसके साथ दूसरा फिर माइग्रेन का, मतलब मैं इतना ज़्यादा हो गया था डिप्रेस्ड हो गया था क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि यार आपका कोई कसूर भी नहीं है और फिर भी आप, लेकिन वो ये होता है कि आपका टेस्ट हो रहा होता है, अल्लाह आपको आजमा रहा होता है कि ये बंदा कितनी एफर्ट बर्दाश्त कर सकता है। आज भी आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, आपने देखा मैं बाइकिंग भी करता हूँ, टूरिंग भी करता हूँ, गेमिंग भी करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, ये गेम्स के ज़रिए कमाया कैसे जाता है, मतलब आप बता रहे हैं अकाउंट सेल किया जाता है, तो ये कौन ख़रीदते हैं आपसे और कौन सा अकाउंट इस काबिल होता है गेम का जो ख़रीदा जाता है? दरअसल देखें, आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, वो एक कोड भी है कि अगर आपको 5 लाख रुपये की नॉलेज है तो आप 5 लाख कमा सकते हैं। तो चीज़ ये है कि देखिए, एक ऐसा बंदा है जो गाड़ियों के काम में एक्सपर्ट है, उसको अपने काम से बड़ा नॉलेज है, और वल्लाह आलम मैं उस काम में घुसूंगा अपने पैसे डुबा बैठूंगा, मुझे नहीं पता। आपको जिस चीज़ में भी आना है उसके बारे में पहले नॉलेज लें, उस चीज़ को बुरा बंद कहें। अब एक बंदा बोले तो पबजी खेलता है, गेम खेलता है, तो पैसे हराम कर रहा है, ये कर रहा है, यार अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो आप उसको पहले बुरा कहना छोड़ दें। कोई भी चीज़ जो है ना अच्छी बुरी तभी होती है जब उसके अंदर से मसले निकलते हैं। मैंने 3 साल हो गए हैं, अब उस चीज़ के बारे में नॉलेजेबल हूँ, फिर आप देखें कि इसके अंदर मेन वो केमिस्ट्री क्या चल रही है, होता क्या है, फिर ये जैसा ट्रेडिंग हम बाइक्स कंप्यूटर्स ये चीज़ें हम ट्रेड करते हैं, चीज़ें लेकर बेचते हैं, इसमें भी वही चीज़ है। एक आप ढांचा कंप्यूटर का ले आएंगे ना, उसको पूरा जब तक कस्टमाइज नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। पबजी और गेमिंग अकाउंट्स भी ऐसे ही होते हैं, आप पहले उसको लेते हैं, गेमिंग अकाउंट अपना बनाते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, उसको कस्टमाइज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से और कस्टमर्स की और लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब मुझे पता है कि यार आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है गेम का, मैं उसके हवाले से अकाउंट्स को कस्टमाइज़ करता हूँ, कस्टमाइज़ करके पैसे लगते हैं, इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट करके उसको उसके हवाले से फिर आप सेल आउट कर देता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। तो आपसे ख़रीदते कौन है? मोस्टली सऊदी अरेबिया में काफ़ी जो ये अरबी वगैरह हैं ये इस हवाले से काफ़ी क्रेज़ रखते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पाकिस्तानी तो हर घर में पबजी चल रही है और हर घर में GTA 5 चल रही है, ये दोनों मेन ऐसी गेम्स हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। और इस वाले से देखें, अगर कोई स्ट्रीमिंग वाले साइट पे भी आता है तो ये दो गेम्स ऐसी हैं जो आपको बड़ा अच्छा पुश भी देती हैं। और पबजी को तो 4 साल हो गए और वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल गेम GTA के बाद ये मानी जाती है। ये बताइए कि आप जो अकाउंट सेल करते हैं तो इससे आप महाना कितना कमा लेते हैं, कोई एक एग्जैक्ट अमाउंट है कि जो आप अकाउंट सेल करते हैं और इतना कमा लेते हैं? एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मैं कुछ कंसिडर कर सकता, लेकिन देखें अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो अपना रूम बनाया हुआ है मैंने घर में नहीं बनाया हुआ, मैंने सेपरेटली अपना से कस्टमाइज, इसलिए क्योंकि घर में इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि भाई घर है तेरा तो क्या कर रहा है।
तो मैंने अपने आप को इसलिए थोड़ा सेपरेट भी रखा होता है कि क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने काम करना है ना, आप घर से थोड़ा सेपरेट रह के ही कर सकते हैं। अपने आप को मैंने वहाँ पर स्टेबल किया हुआ है। तो आप इसको अंदाज़ा लगा, मैं सो भी इधर जाता हूँ, इधर खाना भी खा लेता हूँ, मुझे यहाँ पे आसपास मार्केट है तो मैं वहाँ से चीज़ें ऑर्डर भी कर लेता हूँ, ऑनलाइन भी कर लेता हूँ। जब घर वाले ज़्यादा कॉल्स करें तो फिर घर भी चले जाते हैं, ये हिसाब चल रहा होता है। और सेकंड जो मेन चीज़ आप जो पूछ रहे हैं, ये काम करके आप किस तरीके से कितनी आपकी अर्निंग है, तो ये है कि मेरे अपने खर्चे अब निकल आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर लेते हैं। आप टूर का भी कोई शौकीन हैं और घूम फिर भी लेते हैं, उसके बारे में बताइए, वो कैसे पूरे करते हैं खर्चे? मैं मतलब 7 दिन अगर वीक के हैं तो 5 दिन रज के काम करता हूँ और 2 दिन अपने आप को रिलैक्स करता हूँ, 1 दिन नींद पूरी होती है और 1 दिन मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ। अच्छा सलमान, आप ये बताइए कि अभी भी पबजी पाकिस्तान में काफ़ी खेली जा रही है, स्कूल के नौजवान भी खेल रहे हैं और कॉलेज के भी, ये बताइए कि वो नौजवान जो जस्ट खेल रहे हैं कमा नहीं रहे, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो भी अर्न कर सकते हैं? पहली बात उनके इंटरेस्ट की है, अगर वो लोग इस काम में इंटरेस्टेड हैं तो अपने आप को ग्रो करें, ऑनलाइन मार्केट्स में इंटर हों, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने होते हैं स्पेशली, वहाँ पे ज्वाइनिंग करें, वहाँ देखें ये सेलिंग परचेजिंग किस तरह चल रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर उनके अकाउंट की ये चीज़ अपग्रेड होने वाली है, उसको अपग्रेड करके ग्रुप्स में अपलोड करें, इंशाल्लाह आपके पास कोई ना कोई कस्टमर आ जाएगा ख़रीदने के लिए। और ट्रस्टेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो एडमिन्स वहाँ के काफ़ी अच्छे होते हैं, वो आपकी डील भी करवा देते हैं। तो उस डील के थ्रू ये होता है कि वो अपनी फ़ीस भी थोड़ी सी रख लेते हैं और उससे आपको अर्निंग भी हो जाती है। आपकी नज़र में तो वो अकाउंट एक फारिग चीज़ है, लेकिन वही अकाउंट अगर आपको कुछ पैसे दे दे तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम एक होप स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह मेरे लिए स्टार्ट हुई थी।